सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र में युवक ने लेखपाल पर लगाए गंभीर आरोप। गौरव यादव ने आवासीय पट्टे की जमीन पर पुनर्निर्माण के दौरान लेखपाल शीतला वर्मा पर लगाया घूस मांगने का आरोप। चल रहे कार्य को रोककर लेखपाल ने की 10,000 की पेशगी की मांग। पीड़ित परिवार हुआ परेशान। हम देखना चाहते हैं कि हमारे साथ कहां तक न्याय होता है और कहां तक अन्याय। जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम इस पर डटे रहेंगे। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पहाड़पुर रायपट्टी में गोली मारकर युवक की गई हत्या। हत्या के मामले में पुलिस की ढिलमुल नीति के कारण परिजनों ने घर तथा गांव छोड़कर किया पलायन, जिसकी हो रही है चर्चा। अपराधियों की धमकी से डरे परिजन न्याय की उम्मीद के लिए दर दर दरवाजा खटखटा रही है मृतक की पत्नी। संसद भी नहीं आया है, जो प्रधान वो भी नहीं आया, कोई मेरे द्वार पे नहीं आया। अभी सांसद जी तो आई हुई थी कल, मेरे घर में आए नहीं कोई, कैसे जानेंगे। अमेठी में एक बड़ी घटना आई सामने। 60 वर्षीय दलित बुजुर्ग की विपक्षियों ने जलाकर की हत्या। आधी जली हुई लाश ग्रामीणों को देखने बाद पुलिस को दी सूचना। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस टीम के साथ किया गया घटनास्थल का निरीक्षण। घटना पर भारी तनाव को देखते हुए पुलिस बल किया गया तैनात। गौरीगंज के उत्तर गांव बस्ती देई का है मामला। अमेठी में अखिल भारतीय ब्राह्मण्स महासभा ने लाइनमैन के परिवार को दिया 5,001 रुपए का सहयोग। कष्ट की घड़ी में संगठन द्वारा आर्थिक सेवा भाव करते हुए आगे भी हर संभव मदद का किया गया भरोसा। लाइनमैन के तौर पर जामो जनपद अमेठी में कार्यरत युवक की विद्युत लाइन ठीक करते समय झुलस गया था शरीर। सुल्तानपुर में जेई नीट की परीक्षा को लेकर गुस्साए छात्रों ने फूंका शिक्षा मंत्री का पुतला। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष मानस तिवारी के नेतृत्व में दर्जनों छात्रों के साथ शिक्षा मंत्री का फूंका गया पुतला। सरकार पर लगाया गया छात्रों के जीवन से खिलवाड़ करने का आरोप। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा द्वारा चलाए गए ऑपरेशन अंकुश के अंतर्गत बल्दीराय थाना क्षेत्र के पुलिस ने कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। अपराधी के पास से 1 किलो 100 ग्राम गांजा व 1 तमंचा, 300 बोर व 1 जिंदा कारतूस भी बरामद। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भेजा गया अदालत। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए गए ऑपरेशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जनपद की समस्त सीमाओं को सील कर चलाया गया व्यापक चेकिंग अभियान। पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं टेढ़ी मोड़, गोसाईगंज थाना क्षेत्र, जयसिंहपुर थाना क्षेत्र, लंबुआ थाना क्षेत्र आदि जगहों पर आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों को पर्याप्त पुलिस बल के साथ चेक किया गया व कड़ाई से की गई पूछताछ। सुल्तानपुर में पुलिस अधीक्षक शिवहरी मीणा द्वारा पुलिस कार्यालय सुल्तानपुर में जनता की समस्याओं को सुना गया व उनके निस्तारण के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। सुल्तानपुर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोविड-19 के संक्रमण रोकथाम के लिए बैठक का हुआ आयोजन। होम आइसोलेशन L1 ICC, L2 L3 में इलाज करा रहे सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की जानकारी कर उनके संबंध में उचित कार्यवाही करने का निर्देश भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दिया गया। सुल्तानपुर में भाजपा विधायक देवमणि द्विवेदी की चिट्ठी के खिलाफ जिलाधिकारी सी इंदुमती का लेटर बम जारी। जिलाधिकारी ने विधायक के आरोप को बताया निराधार। सत्ता पक्ष विधायक के खिलाफ जिलाधिकारी ने जारी किया अधिकृत बयान। जिलाधिकारी की तरफ से सूचना विभाग द्वारा जारी किया गया विधायक देवमणि के द्वारा लगाए गए आरोप का जवाबी पत्र। सुल्तानपुर जिले में 2100 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। कोरोना के 54 नए मरीज मिले। अब तक जिले में 2139 लोग हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। जिले में 34 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। अमेठी में कोरोना का कोहराम लगातार बढ़ रही है। कोरोना मरीजों की संख्या जनपद में अब तक 1413 कोरोना पॉजिटिव मामले, 1042 रोगी हो चुके हैं डिस्चार्ज। अभी तक 10 लोगों की हो चुकी है कोरोना से मौत। अमेठी के मुसाफिरखाना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया अनोखा प्रदर्शन। युवाओं ने 5:05 होते ही जमकर ताली व थाली बजाते हुए सरकार को जगाने का किया प्रयास। बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर सरकार को जगाने की गई मुहिम। सच्चाई वही जो हम बताएं।